थ द मेमराइजिंग एस्पेक्ट इन रिलेशन टू स्टैंडर्ड जॉन ऑडिटिंग ओके सो वील बी लुकिंग एट अ स्टोरी वो स्टोरी देखते देखते यू विल be एबल टू रिमेंबर standards on ऑडिटिंग ठीक है आराम से जाना मेरे साथ ठीक है Go in इन वेरी स्मूथ manner एंड देन we'll कंप्लीट इट सोचने का कि ना यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है एक लड़का है उसके मन में एक बहुत अच्छा इच्छा है उसके मन में ऐसा है किसेंस अच्छा है ना यार ही टू हंड्रेड हैं एक उसका क्या बोलते है? मेन गोल है लाइफ का, कि उसको दो सौ लोगों को अच्छा करना है उसके अंडर. अच्छी, बात है अच्छी बात है लोगों को नौकरी देना है काम पे लगाना है इट्स अ वेरी गुड थिंग वेरी गुड थिंग कि नहीं अब क्या होता है ये लड़का है ना यहाँ पे क्या करता है ये लड़का है ना यहाँ पे यहाँ पे ना अपने फ्रेंड्स उसके यहाँ पे कैन यू हिज फ्रेंड्स ठीक है उसके फ्रेंड्स यहाँ पे तो उसके फ्रेंड्स जो है ना उन लोगों का ना जाके ना आइडिया बताने का ठीक है उसके फ्रेंड्स कौन से रूम में है? पे दे आर इन रूम नंबर कॉल्ड रूम नंबर टू वन जीरो तो ये लड़का क्या करता है पे अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और यहाँ पे ना फ्रेंड लोग के साथ अपना आइडिया डिस्कस करता है एंड ही एंड हिज फ्रेंड्स दे ऑल अग्री कि हाँ अपने को ऐसा कुछ करना चाहिए यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे लड़का वापस आता है यहाँ पे देखता है कि क्या क्या चीज करना है और वो एक अग्रीमेंट अग्री द टर्म्स टर्म्स जो है ना वो तैयार करता है ताकि ये

बीस मिनट ओके इसके बाद यहाँ पे उन लोग ना फिर ने लिखते कि उनको कौन से कौन से एरियाज में ध्यान देना चाहिए ठीक है ऐसे उन लोगों ने यहाँ पे ना चुन के लिया आता है अभी टू थर्टी एरियास. क्या बोलता हूँ टू थर्टी एरियाज तो अभी इसमें लिखते क्या है इन लोग ये बोलते हैं कि इनका बिजनेस कौन से फील्ड में होना चाहिए तो इन्होंने डिसाइड किया कि इनका बिजनेस ये फैशन इंडस्ट्री की तरफ होना चाहिए ठीक है मतलब कपड़ों का बिजनेस होना चाहिए यहाँ पे अलग अलग डिजाइन अलग अलग स्टाइल ठीक है इन लोग भी देखो जो फ्रेंड्स है कितने स्टाइलिश लोग हैं यहाँ पे इन लोग ठीक है तो दे डिसाइड की चलो बिजनेस अपना फैशन की तरफ रहेगा टेक्सटाइल की तरफ रहेगा तो उन लोग ना हर चीज एक एक एरिया लिखते हैं पे कि उनको कौन से कौन से चीज में फोकस करना चाहिए वो सब उन लोग लिखते हैं और टू थर्टी एरिया का उन लोग ऐसे डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं इसके बाद ना क्या होता है यहाँ पे उन लोग ये भी देखते हैं कि अच्छा इंडिया में अगर आप ऐसे बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपके कितने लॉज आपको फॉलो करने पड़ेंगे ठीक है सो दे रियलाइज दैट दे हैव टू कंप्लाई विद हाउ मेनी लॉज 250 लॉज क्या बोल रहा हूं मैं 250 लॉज उनको यहां पे कंप्लाई करने की जरूरत है ये वो रियलाइज करते हैं ये वो रियलाइज करता है ठीक है अच्छी बात है यहाँ पे तो अभी तक अपने क्या देखा एक लड़का है उसके मन में इच्छा है क्या इच्छा है टर्म्स एंड देर दे टर्म्स इसके बाद यहाँ पे उन लोग ये भी, भी डिसाइड करते हैं कि दो बज के बीस मिनट को उन लोग ये टाइम देख के बोलते कि बस आज से हम यहाँ पे क्वालिटी के साथ ही काम करेंगे तो इससे याद रखना क्वालिटी कंट्रोल करके ठीक है फिर तो वाले लोग देखते हैं कि अच्छा कौन से कौन से एरियाज में इंप्रूव करना चाहिए तो दे नोट डाउन टू हंड्रेड एंड थर्टी एरिया उनको इंडिया के कितने लॉज फॉलो करने हैं पे टू विद हंड्रेड एंड फिफ्टी लॉज इन इंडिया हो गया अलग, -अलग यहाँ पे लेबर अलग, लेबर के रिलेटेड अलग अलग एक्ट्स वर्कमेन एक्ट यू हैव फैक्ट्री एक्ट ये सब बहुत सारे एक्ट है यहाँ पे इंडिया में तो वैसे टू फिफ्टी लॉज दे कम टू नो दैट देव टूलाई ऐसे सोचो खाली ओके अब ये लड़का ना बहुत खुश होता है तो क्या बोलता है चलो मैं घर पे आके ना मम्मी को बोलता हूं यहाँ पे तो लड़का घर पे आता है और मम्मी को बोलता है कि मम्मी मैं ना नया एक बिजनेस चालू करने वाला हूं यहाँ पे ठीक है तो अब क्या होता है पे मम्मी को ये बोलता है ना पे मम्मी को तो क्या बोलते हैं कंपनी अच्छी बात ही नहीं है अच्छी बात कि नहीं है बोलो खुशी की बात है कि नहीं है अरे बोलो मुझे चैट एरिया में खुशी की बात है कि नहीं, खुशी है, नहीं है खुशी की बात है कि नहीं है यार वो खुद का एक कंपनी चालू कर रहा है खुशी की बात है कि नहीं है लेकिन मम्मी क्या बोलती है पता उसको मम्मी बोलती है उसको यहाँ पे बेटा पहले जाके ना अपना रूम साफ करना बहुत कचरे ऐसा रखा है रूम पहले रूम साफ करना फिर कंपनी चलाना ऐसे मम्मी बोलती है मम्मी क्या बोलती है यहाँ पे फर्स्ट क्लीन योर रूम क्या बोलती है फर्स्ट क्लीन योर रूम ऐसे मम्मी बोलती है ठीक है तो अब यहाँ पे अपन किस तरीके से इसको याद करेंगे देखो यहाँ पे पहले लड़के को कैच करना है पे तो टू हंड्रेड से याद रखने का ये क्या है उसकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव है तो टू हंड्रेड से आएगा यहाँ पे दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या बोल रहा हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर दैट इज ऐसे टू हंड्रेड ठीक है वेरी सिंपल अच्छा वो फ्रेंड लोग के साथ कौन से रूम में आके मिलता है रूम नंबर टू वन जीरो में अच्छा इन द रूम टू वन जीरो अग्री द टर्म्स क्या बोल रहा हूं रूम नंबर टू वन जीरो इजी यहां तक अच्छा फिर उसके बाद यहां पे, करते कि ना जो भी काम करेंगे ना क्वालिटी के साथ ही काम करेंगे तो दैट इज योर एस ए टू ट्वेंटी क्या आएगा यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल सिंपल इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कितने एरियाज का रखने वाले टू थर्टी एरियाज का सो यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अंडरस्टैंडी एंड फाइनली दे हैव टू कंप्लाई विद हाउ मेनी लॉज हियर दे हैव टू हंड्रेड एंड फिफ्टी लॉज इन इंडिया ये उनको कंप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे दैट इज एस ए

ऐसे 210 अग्रीन डी टर्म्स ऑफ़ डी अग्रीन डी टर्म्स ऑफ़ डी इंगेजमेंट, ओके? फिर मान आएगा ऐसे 220 डेट इस क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे 230 डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऑली डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 250 डेट इस लॉज़ एंड रेगुलेशंस कंप्लाइंस, देन ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद डोस चार्जेज गवर्न

ठीक है बहुत ही इजी बोला 230 क्या था जस्ट टेल मी क्विकली आई जस्ट आस्क यू थ्री क्वेश्चंस टेल मी व्हाट इज 230 व्हाट इज एसए 230 इट इज रिलेटेड टू व्हाट इट इज रिलेटेड टू व्हाट 230 इज रिलेटेड टू व्हाट क्या बात है एक्सीलेंट क्या आएगा यहाँ पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फैंटास्टिक मेरे को बोलो यहां पे एसए 250 किसके रिलेटेड है 250 250 व्हाट इज रिलेटेड विद

तो ये अच्छे से सिंपल तरीके से हो गया अभी यहां पे नेक्स्ट पे आ जाओ देखो क्या बोल रहा हूं यहां पे सी दिस नेक्स्ट इज इन रिलेशन टू अभी ना ये फ्रेंड लोग है ना डिसाइड करते हैं कि अपने को करने का क्या अपने को एक्चुअली क्या करना है मतलब व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू डू अपने को क्या करना चाहिए दैट इज व्हाट द फ्रेंड्स आर डिसाइडिंग ठीक है कि उनको क्या करना चाहिए यहां पर तो यहां पे ना सिंपल तरीके से जाना गो इन अ वेरी स्लो मैनर सी दिस यहाँ पे ना फ्रेंड लोग यहाँ पे आराम से बैठे इन लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे की बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है क्या क्या करना चाहिए सब तो इसमें से ना ये जो लड़की है ना यहाँ पे शी गिव हर प्लान ठीक है तो बोलती है आई हैव ग्रेट करके और ना एक बुक बना के देती है यहाँ पे और बोलती है कि चलो ये मेरे प्लान है तो कितना देती है तीन देती है कितने प्लान देती है तीन सौ प्लान ये करना चाहिए ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं ये चीज वो चीज वुलन कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं अपन यहाँ पे अपन यहाँ पे सॉक्स का बिजनेस कर सकते हैं अपन यहाँ पे टाई का बिजनेस कर सकते है ऐसे अलग 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 लोग उसने तीन सौ प्लान बना के रख दिया लेकिन जो मेन लड़का है ना वो यहाँ पे एक ही चीज बोलता है बोलता है लेट्स थिंक बिगर क्या बोलता है लेट्स थिंक बिगर मतलब कुछ बड़ा सोचो बड़ा मतलब क्या आएगा यहाँ पे बड़ा मतलब मटेरियल क्या बोल रहा हूँ मटेरियल तो वो बोलता है कि नहीं 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 यहाँ पे काम करो 320 चीजों के बारे में सोचो और यहाँ पे एक जगह पे डालो डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग मेनी स्मॉल थिंग्स थिंक ऑफ ऑल द स्मॉल थिंग पुट टूगेदर एंड मेक वन ह्यूज प्लान ठीक है मतलब एक बहुत सही बड़ा प्लान बनाएंगे विच विल कवर लॉट ऑफ थिंग्स एज ए सोच तो यहाँ पे आएगा कितना है? यहाँ पे ऐसे दैट इज मटेरियालिटी ये तो समझ में आ, आ गया रहेगा शायद अभी यहाँ पे क्या होता है उन लोग समझते हैं पे कि इन लोग ना बहुत यंग है तो उन लोग है ना खाली ये प्लान बना के कुछ काम नहीं होने वाला कुछ काम भी करना पड़ेगा यहाँ पे यू हैव हैव टू टू यू डू सम वर्क तो इन लोग क्या सोचते हैं यहाँ पे इन लोग क्या सोचते हैं इन लोग सोचते हैं कि ना वी हैव टू रीड यार तो है डिसाइड करते हैं कि इन ना फैशन एंड क्लोदिंग के ऊपर फाइव हंड्रेड बुक्स पढ़ेंगे क्या बोल रहा हूं मैं फाइव हंड्रेड बुक्स दे विल रीड अभी बुक्स पढ़ेंगे तो तो उनको नॉलेज मिलेगा यहाँ पे ओनली देन दे विल गेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन बरबर है कि नहीं

तो जो रिस्क है उस, उसको अगर आपके पास रिस्क अगर है बिजनेस में देन यू शुड रिस्पॉन्ड टू द रिस्क एंड यू शुड बी एबल टू कंट्रोल द आउटकम बराबर है कि नहीं लेकिन अगर आपने रिस्क को कंट्रोल किया नहीं तो ये जो लायन का जो कब है ना यहाँ पे ठीक है लायन का बच्चा ठीक है तो ये है ना आगे चल खतरनाक बन जाएगा ये ठीक है तो इट कैन लीड टू तो वॉट मिस स्टेटमेंट रिस्क कैन लीड टू तो वॉट मिस स्टेटमेंट ठीक है और कुछ कुछ केसेस में मिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी फ्रॉड इफ इट इज इंटेंशनल देन इट कैन बी फ्रॉड ऑल्सो क्या बोल रहा हूं देन इट कैन बी फ्रॉड ऑल्सो वो तेरे को ही खा जाएगा यहाँ पे ठीक है तो यहां पे ऐसे सोचने का यहाँ पे इन लोगों को बिजनेस के बारे में कुछ समझ में आया क्या समझ में आया कि हर बिजनेस में क्या होता है रिस्क होता है रिस्क को क्या करना चाहिए फॉर एवरी रिस्क यू हैव टू गिव अ रिस्पॉन्स ओके अगर आपने रिस्पॉन्स दिया नहीं रिस्क को तो क्या होगा यहाँ पे वो मिस स्टेटमेंट बन जाएगा क्या बन जाएगा मिस स्टेटमेंट और इवेंचुअली वो क्या बन जाएगा यहाँ पे अगर मिस स्टेटमेंट अगर इंटेंशनल है तो देन इट विल बिकम अ फ्रॉड वेरी सिंपल यहाँ पे तो इसको याद कैसे करेंगे अभी यहाँ पे वेरी वेरी सिंपल ये आगे आई uh, है थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड इज ऑडिट प्लानिंग थ्री ट्वेंटी एज ए टोल्ड मटीरियलिटी देन आफ्टर दैट यू है कि नहीं ऑडिट एविडेंस यहाँ पे देन इसके बाद अपने मिल जाएगा यहाँ पे दैट इज योर एस एन फाइव दैट इज आइडेंटिंग एंडसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट थ्रू दी थ्रू अंडरस्टैंडिंग देंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट बरबर है

थ्री हंड्रेड आएगा यहां पे प्लान थ्री ट्वेंटी आएगा मटेरियलिटी फाइव हंड्रेड आएगा एविडेंस थ्री वन फाइव रिस्क थ्री थर्टी रिस्पॉन्स टू रिस्क फोर फिफ्टी मिस स्टेटमेंट एंड टू फोर्टी यहां पे आएगा फ्रॉड वेरी सिंपल यहां okay, पे, ओके एकदम क्लियर बोलो यार एक बार चैट एरिया में वेरी वेरी क्लियर ओके अच्छा चलो ट्स पिकअ एनी थ्री स्टैंडर्ड मैं तुम लोग क्वेश्चन पूछता यहाँ पे एक मिनट रुको यहां पे इसको ब्लैंक करने दो लास्ट टाइम करना भूल गया था दैट आई रियालाइज ओके चलो बोलो को अभी पे टेल मी वॉट इज एस एवं वॉट इज एस एवं वॉट इज एस एवंटी बोलो क्या बात very, very क्या है मटेरियलिटी वेरी वेरी सिंपल क्या आएगा यहां पे मटेरियलिटी अच्छा मुझे नेक्स्ट बताना है यहां पे टेल मी द नेक्स्ट वन वॉट इज एस ए थ्री थर्टी वॉट इज एस ए थ्री थर्टी थ्री थर्टी क्या थ्री थर्टी क्या करेक्ट रिस्पॉन्स टू रिस्क क्या है यहां पर रिस्पॉन्स टू रिस्क या रिस्क रिस्पॉन्स ठीक है रिस्पॉन्स टू रिस्क वेरी सिंपल अच्छा एक लास्ट वाला बता दो टेन मी वॉट इज एस ए टू वन जीरो वॉट इज एस ए टू वन जीरो टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट अरे क्या बात है टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट फैंटास्टिक ठीक है तो ये अपना वेरी सिंपल okay. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अभी मजा आएगा स्टोरी में ध्यान से सुनो देखो क्या बोल रहा हूं मैं और अच्छे से करो देख क्या बोल रहा हूँ अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी मैनर ओके सी दिस वर्ड एंड ट्रेंड स्टेल ध्यान समझो देखो क्या बोल रहा हूँ मैं अब क्या होता है यहाँ पे अपन है ना यहाँ पे सोचते हैं दुकान खोलने का ठीक है तो अपन क्या करते हैं जनवरी 2020 की बात है तो अपन सोचते हैं यहाँ पे चलो लेट्स स्टार्ट अवर बिजनेस तो अपन ने यहाँ पे क्या किया अपन ने ना टेंथ जैन को है ना अपने दुकान का ओपनिंग रखा एकदम ग्रैंड ओपनिंग ठीक है पूरे दुनिया के आसपास वालों को मोहल्ले वालों को सबको बुलाया अपन ने ग्रैंड ओपनिंग रखा सब ओपनिंग में आए रिश्तेदार फ्रेंड फ्रेंड सब आए ओपनिंग में आए लेकिन ओपनिंग में आने का ना कोई कुछ खरीदा नहीं अपने से सब आए फ्री का सेब पूरी पानी पूरी भील पूरी सब खाया अच्छे से बोला कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेन सब किया लेकिन कोई खरीद के गया नहीं कोई सब आए कॉन्ग्रेचुलेशन किए और निकल गए सब लोग तो अपन सोचे कि ठीक है चलो मतलब आगे के दिनों में अभी कुछ होएगा यहाँ पे ठीक है आगे के दिनों में अभी बिजनेस बढ़ेगा यहाँ पे दस तारीख से लेकर बीस तारीख हुआ बीस तारीख से लेकर तीस तारीख हुआ कोई आया ही नहीं यार कुछ भी कोई आया ही नहीं यहाँ पे ठीक है तो फिर बाद में नापन है ना, ना यहां पे ये ना ट्वेंटी के बदले ना सोचो, 20 के ऐसे सोचो ट्वेंटी के बदले सोचो ट्वेंटी लिखा ना यहां पर जैन ट्वेंटी सोचो थिंक ऑफ दिस बोल तो रहा हूं ट्वेंटी डेज सोचो तुम लोग को ज्यादा इजी जाएगा याद करने के लिए सो जस्ट रिमेंबर दिस एज ट्वेंटी डेज क्या बोल रहा हूं जस्ट रिमेंबर दिस एज ट्वेंटी डेज ठीक है ट्वेंटी डेज मतलब कैसे सोचने का कि जैन टेंथ को अपना दुकान का चालू किया अपन ने और फिर बाद में जैन टेन से लेकर जैन थर्टीएथ तक अपना यहाँ पे बिजनेस कुछ चमरा नहीं है तो बीस दिन ना अपने अपन जो जो भी वो जो ग्रुप में जितने भी वो थे ना जिन लोगों ने बिजनेस चालू किया था उन लोग सब एनालिसिस करने लगे यार कि क्या हो रहा है अपना बिजनेस थप क्यों पड़ रहा है कोई आ रहा क्यों नहीं अपन नहीं को यहाँ पे ये सब लोग सोचने लगे यहाँ पे सोचेंगे भी ना यार सोचेंगे नथिंग रॉन्ग इन दैट बिकॉज दे आर नो कि इतने लोग क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे वाई कोई फुटफॉल क्यों नहीं है

या एकदम लो कॉस्ट में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट ये सब देना चाहिए ताकि प्रमोशन में लोग आए और लोग दुकान से ज्यादा खरीदे तो उनको समझ में आएगा कि कितने क्वालिटी का यहाँ पे यू नो मटेरियल है या तो फिर कपड़े का क्वालिटी क्या करके तो यहाँ पे अपने तीस तारीख को डिसाइड किया कि अपने ना यहां पे सैंपल देंगे अपने यहां पे ना सैंपल्स देंगे तो अपने ये सोचा अभी सैंपल है ना अपने को ना छोटा मोटा सैंपल नहीं देने का अपने को ना सैंपल देने का तो एकदम लार्ज क्वांटिटी में देने का ठीक है मतलब एक पे एक फ्री एक पे तीन फ्री है जबरदस्त वाला ऑफर की लोग यहाँ पे आके खरीदे ठीक है

जो मेन लड़का था ना जिसके दिमाग में आइडिया आया था उसके, चाचा, एक, उसके एक चाचा है वो चाचा चाइना जा रहे थे ठीक है तो चाचा चाइना गए देखो ना यहाँ पे चाचा चाइना गए ओके तो चाचा मजे में चाइना गए ओके और चाचा को अपने बोल दिया था चाचा वहां से आते समय ना फाइव फोर्टी मीटर ऑफ क्लॉथ का अरेंजमेंट कर देना ताकि वो यहाँ पे वो यहां पे आके डिलीवर हो जाए या आप लेके आ जाओ यहां क्लॉथ चाचा ठीक है चाचा आए चाचा इंडिया आए और इंडिया वो आए यहाँ पे आफ्टर द डेट ऑफ द बैलेंस शीट क्या बोल रहा हूं डेट ऑफ द बैलेंस शीट बोलो मतलब क्या थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद चाचा इंडिया में आए चाचा इंडिया में आए ठीक है मेरे को बताना ईयर देख लो कौन सा है कौन सा ईयर चल रहा है ये 2020 बोलना 2020 में आफ्टर थर्टी फर्स्ट मार्च चाचा अगर चाइना से आए तो बोलना कपड़े के साथ साथ और भी कुछ आ जाएगा चाइना से बोलो क्या आएगा पे चाइना से अरे बोलो यार कपड़े के साथ और भी कुछ आएगा चाइना से बोलो विल कम अरे बरोबर है कोरोना आ गया ठीक है तो चाचा लेके आ आगे कोरोना चाचा लेके आ आगे कोरोना अभी चाचा ने क्या किया यहाँ पे चाचा है ना यहाँ पे आए कपड़ा दिया कपड़ा के साथ साथ कोरोना भी दिया उन्होंने फ्री में ठीक है कोई चार्जेस नहीं तो देखो क्या लिखा है चाचा केम बैक विद कोरोना है ठीक है चाचा बीमार सब लोग यहाँ पे बीमार सबको ठीक है और यहाँ पे सब खास रहे इतना बड़ा कुछ होगा करके तो यहाँ पे सब खास रहे इन लोग सब जो ग्रुप के लोग है जिन्होंने बिजनेस एकदम जोश में चालू किया था तो उन लोग तो चाइना को इतना कोस रहे बोल रहे कि यार ये क्यों ही गए अपन चाइना में वो भी सस्ते का सस्ता माल लेने के लिए तो यहाँ पे अटक गए बेचारे तो अभी क्या हुआ यहाँ पे चाचा यहाँ पे वायरस लेके आए अभी वायरस लेके आने के बाद अभी इन लोग सोच रहे हैं अभी करने का क्या इसका है? ठीक है टू डू अबाउट इट तो इन्होंने क्या क्या सोचा सोचा इन लोग ने 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 कि काम करते अप्रोच डॉक्टर 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 बोला इनको इनको पे टेस्ट करने के लिए और प्रिस्क्रिप्शन दिया क्या दिया यहाँ पे डॉक्टर ने इनको क्या दिया प्रिस्क्रिप्शन दिया प्रिस्क्रिप्शन मतलब लिख के दिया कुछ कि अब ये दवाई खा लो ठीक हो जाओगे जो भी है तभी जो भी चल रहा था वो डॉक्टर ने इनको दे दिया क्लियर एकदम ये वेरी वेरी सिंपल एक बार स्टोरी हो जाए वापस ठीक है आराम से बोलता हूं स्टोरी ध्यान से समझना देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे पहले 10 जनवरी को अपन ने ओपनिंग किया ठीक है 20 दिन तक कोई नहीं आया तो अपन सिर्फ एनालिसिस करते रहे 20 दिन तक अरे डेली दरवाजा खोलते थे दुकान का बैठते थे दुकान में कोई आ रहा ही नहीं है तो सोचते थे अरे कोई क्यों नहीं आ रहा यार फर्स्ट डे तो सब लोग इतने आगे भाजी सब खा के चले गए समोसा खा के चले गए क्या बोलते हैं बेलपुरी पानीपुरी सेब पुरी सब खा के चले गए लेकिन बाद में कोई आया नहीं पे फ्रेंड्स रिलेटिव कुछ भी नहीं बाद में तीस तारीख को अपने को समझ में आया कि कोई भी है ना यहाँ पे नया बिजनेस चालू करने थोड़ा सैंपल देना पड़ता है जैसे जियो ने स्टार्टिंग में सब लोग को फ्री दे दिया था आ, इंटरनेट बरबर है कि नहीं है वैसे सैंपल दिखाना पड़ता है कि देखो अपना इंटरनेट क्या कर सकता है करके तो यहाँ पे इन्होंने भी सोचा सैंपल देने के लिए सैंपल देने के लिए कहाँ से लेने का सामान सोच रहे फाइव फोर्टी मीटर्स ऑफ क्लॉथ दे विल हैव टू टेक इट फ्रॉम क्या बोल रहा हूँ चाइना ऐसे उनका क्या था एस्टिमेट था कि फाइव फोर्टी मीटर्स ऑफ क्लॉथ लगेगा अच्छा अभी चाइना जा रहा कौन है उसमें से एक लड़के के चाचा चाइना जा रहे हैं चाचा चाइना गए आए कभी आए बैलेंस शीट डेट के बाद आए अभी बैलेंस शीट डेट के बाद आए ना यहाँ पे तो सोचना है यहाँ पे वो क्या लेके आ गए यहाँ पे कोरोना वायरस भी लेके आ गया फिर अपन पे डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने क्या दिया आपने लिख के क्या दिया यहां पे अस प्रिस्क्रिप्शन ठीक है यहां पे यहां? तो अभी इसको याद कैसे करेंगे भी पे ठीक है तो लेट सी दिस पहले टेन जाना ना उसको बोलने का ऐसे फाइव वन जीरो दिस नथिंग बट योर ओपनिंग बैलेंस ठीक है अपना दुकान का ओपनिंग है ना तो बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस फाइव हंड्रेड एंड टेन फाइव ट्वेंटी आएगा यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर क्या आएगा एनालिटिकल प्रोसीजर फाइव ट्वेंटी ओके अपन बीस दिन तक क्या कर रहे थे एनालिसिस कर रहे थे बैठ के

तो चाचा जा रहे चाइना तो अपना आएगा रिलेटिव इज गोइंग टू चाइना एक्चुअली आई रिमेबर चाचा इज नॉ रिलेटिव बट हियर वी आर जस्ट यूजिंग फॉर द स्टोरी पर्पज तो या दिस विल बी और एस ए गोइंग टू चाइना दैट इज रिलेटेड पार्टी बराबर है कि नहीं है रिलेटेड पार्टी इसके बाद चाचा चाइना से आए चाइना से कभी आए चाचा यहाँ पे आफ्टर द डेट ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट अगर कुछ होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं पे इवेंट्स क्या बोलते हैं पे सब्सिक्वेंट इवेंट्स ओके चाचा आए और चाचा क्या लेके आए यहाँ पे कोरोना वायरस लेके आए कोरोना वायरस अगर किसी को आ गया ना यहाँ पे तो अपन पहले तो ऐसे बोलते थे अभी तो फिर भी चलो लोगों को वैक्सीनेशन और ये सब हो रहा है लेकिन ना अभी, अभी अपन क्या बोलेंगे कोरोना वायरस तभी जब आ रहा था तो लग रहा कि ये आदमी तो गया अभी। मतलब दैट पर्सन इज नाउ मतलब क्या दैट पर्सन इज नाउ गोइंग कंसर्न क्या बोल रहा दैट पर्सन इज नाउ गोइंग कंसर्न तो इनको जब कोरोना आ गया था ये सब लोग को तो ऐसे सोचना कि ये सारे लोग क्या है अभी यहाँ पे गोइंग कंसर्न है मतलब गोइंग ऊपर हाँ ठीक है इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर टू टेस्ट एंड गिव प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या आएगा यहाँ पे ऐसे दैट इज नथिंग बट योर रिटन रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर लिख के देना प्रसक्रिप्शन रेप्रजेंटेशन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वेरी वेरी सिंपल वेरी वेरी क्लियर सब लोग के ध्यान में एकदम बैठ गया ये इजी एकदम ठीक है एक बार रिवाइज करते हैं यहां पे ओके okay. चलो मेरे साथ करना है यहां पे पहले बोलना पहले क्या आएगा जैन टेंथ को अपन ने दुकान चालू किया दैट इज ओपनिंग बैलेंसे

चाचा जा रहे चाइना तो दट तो विल तो 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 बी रिलेटेड पार्टीज़ फिर 560 वो आ गए यहाँ पे आफ्टर डेट ऑफ द बैलेंस क्लियर दट इज योर बाद में अपने सबको लगा कि अपन गए गए क्यू बिकॉज वी आर ऑल नाउ गोइंग कंसर्न ओके फिर बाद में डॉक्टर के पास डॉक्टर ने क्या दिया हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया दट इज येटेशन दैट इज य अभी इसको अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये सब अपना हो गया है ये सब अपना हो गया है एंड एनालिटिकल प्रोसीजर सैंपलिंग एस्टिमेट्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इवेंट्स गोइंग कंसर्न एंड फाइनली रिटर्न ये रिपोर्ट गलती से आ गया पे, पे तो मैं रिपोर्ट कैंसिल कर देता हूँ इट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बोलो क्लियर एकदम ये वेरी वेरी सिंपल वेरी इजी क्लियर एकदम ओके चलो यहां पे आराम से पहले मेरे साथ यहां पे प्ले रैपिड फायर ऑफ एनी थ्री एनी ऑफ थ्री क्वेश्चंस विथ मी बोलना मेरे साथ यहां पे बोलना अगर मैं यहां पे बोलता हूं फाइव फोर्टी तो आपके दिमाग में क्या आता है वेन आई से फाइव फोर्टी देन वॉट वॉट कम्स टू योर माइंड वेन आई से फाइव फोर्टी देन वॉट कम्स टू योर माइंड

एकदम ठीक है ग्रेट ओके दैट कंप्लीट दिस पार्ट अब आ जाओ नेक्स्ट में ठीक है अब है ना यहां पे हालत थोड़ी बुरी है अब क्या हो गया यहां पे? अब यहां पे ना अपन हॉस्पिटल में ठीक है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने टेस्ट किया ठीक है और डॉक्टर ने बोला यहाँ पे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने टेस्ट किया ना यहाँ पे तो डॉक्टर टेस्ट का क्या देंगे यहाँ पे रिपोर्ट देंगे ठीक है कि क्या हुआ है क्या हाल है ठीक है तो जैसे ऑक्सीजन का और फिर बाद में यहाँ पे ब्लड का अगर ब्लड टेस्ट लिया है पे तो सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट डॉक्टर ने ये देख के बोला यहाँ पे कि आप लोग गए काम से ठीक है तो इनको बोला डॉक्टर ने क्या बोला आप लोग गए किससे काम से गए किससे गए काम से गए ऐसे डॉक्टर ने अपने को बोला तो आपने बोला डॉक्टर बोला डॉक्टर ऐसे मत बोलो यार कुछ तो बोलो यहाँ पे कुछ गिव सम समिटिव इन्फॉर्मेशन हो क्या बात हुई यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं ठीक है चलो देखते हैं अभी क्या क्या करना है यहाँ पे तो अपने डॉक्टर से ना उनका ओपिनियन पूछा कि क्या लगता है आपको कि क्या करना चाहिए अभी पे तो so डॉक्टर ने बोला कि आदत को मॉडिफाई करो आदत को मॉडिफाई मतलब क्या मास्क पहनो हाथ को क्या बोलते हैं क्लीन करते रहना है यहाँ पे ठीक है तो so डॉक्टर ने क्या बोला यहाँ पे आप आदत को क्या करो यहाँ पे मॉडिफाई करो क्या करो यहाँ पे आदत को मॉडिफाई करो ठीक है डॉक्टर ने बोला बाद में दूसरा क्या बोला डॉक्टर ने यहाँ पे जैसे ये भी देखो यहाँ पे जो गर्म पानी पियो अपन पीते थे कि नहीं पीते थे यहाँ पे बीच में अभी आई थिंक सबके घर पे अभी स्टॉप हो चुका है बिकॉज पहले ना लोग वो पीते थे क्या बोलते थे 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 थे? तो आ, अपने सब यहाँ पे क्या बोलते हैं हर्ब्स और ये सब डाल के आई वॉट यू आर कॉलिंग काढ़ा काढ़ा हाँ काढ़ा बरबर है कि नहीं है सब लोग यहाँ पे काढ़ा पी रहे थे है कि नहीं है तो यहाँ पे डॉक्टर ने बोला आदत को मॉडिफाई करो गर्म पानी पियो ठीक है ये सब करो यहाँ पे गागलिंग करो वो स्टीम लो स्टीम ये सब बोल रहे थे तभी तो आदत को मॉडिफाई करो अभी इसके बाद डॉक्टर ने बोला यहाँ पे भगवान का भी नाम लेना यहाँ पे ठीक है ताकि भगवान आगे बचाए नौ बुलाए नहीं बचाए तो इसको आएगा यहाँ पे ओम ओम झपो क्या बोलेंगे डॉक्टर क्या बोलेंगे ओम ओम लेकिन डॉक्टर ओम ओम नहीं बोलते बोलते ओम ईओपो क्या बोलते हैं ओम जपो. तो अपने बोला ठीक ठीक है है चलो है? तो चलो ये भी करके देख लेंगे पे तो सोचा कि भगवान का नाम ले लेंगे तो यू नो प्रे टू गॉड वील से ओम 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 मेनी टाइम्स दैट विल ऑल्सो हेल्प अस ओके देन यहाँ पे डॉक्टर ने बोला कंपेयर करते रहना कंपेयर करते रहना क्या बोल रहे हैं पे अदर इन्फॉर्मेशन रेगुलरली कंपेयर करना अदर इन्फॉर्मेशन मतलब क्या रोज का आपका जो Uh, आपका जो क्या बोलते हैं वो थर्मल स्कैन रहेगा वो जो रहेगा फिर मैंने आपका जो क्या बोलते हैं ऑक्सीमीटर uh, रहेगा ये सब घड़ी घड़ी चेक करते रहना देखने के लिए कि आपका टेम्परेचर कितना है ऑक्सीजन लेवल कितना है ये सब चेक करते रहना चाहिए ऐसे डॉक्टर ने अपने को बोला तो आपने बोला ठीक है तो डॉक्टर ने ये जो एडवाइस दिया ना पे बेसिकली देखो याद रखना पहले अपना है टेस्ट रिपोर्ट वाला ठीक है रिपोर्ट वी सी इन एस एस ठीक है डॉक्टर ने माने बोला कि आप लोग गए काम से काम इज की ऑडिट मैटर के ए एम इज की ऑडिट मैटर दैट इज एस एस सेवन जीरो डॉक्टर ने बोला कि आदत को मॉडिफाई करो मॉडिफाई से याद रखना पे मॉडिफाइड ओपिनियन दैट इज योर एस एस सेवन जीरो फाइव डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा जपो यार, थोड़ा का नाम लो यहाँ पे थोड़ा काम आएगा दैट इज योर एस एस सेवन पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ ठीक है यहाँ पाने सब किया हुआ फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे कंपेयर कंपेयर दैट इज एस एस सेवन वन जीरो पे ठीक है सो दैट इज योर इंपेरेटिव इंफॉर्मेशन करस्पॉडिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर है कि नहीं पे

क्लियर एकदम वेरी वेरी इजी ओके ग्रेट ठीक है आ जाओ अब यहां पे नंबर देखते हैं यहां पे अच्छे से देखो क्या बोल रहा है टू हंड्रेड अभी स्टोरी याद करना फटाफट फटाफट थिंक अबाउट स्टोरी टू हंड्रेड उसका गोल था ऑब्जेक्टिव था बराबर है है कि नहीं बाद में टर्म्स ऑफ अग्रमेंट रूम नंबर टू वन जीरो में क्या फिर क्वालिटी कंट्रोल कितने बजे था कितने बजे से अप्लाई करना चालू किया जिंदगी में दैट इज टू ट्वेंटी ओके इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया कितने एरियाज का यहाँ पे 230 थर्टी एरिया का लॉस कितने फॉलो करना है अपने को पे, 250, करना है अपने को को पे 250 लॉस फिर 260 आएगा पे कम्युनिकेशन टू सिक्स टू टीसी इंटरनल कंट्रोल डिफिशियंसी वेरी सिंपल दैट इज मम्मी को बोलने गया फिर मम्मी ने बोला कि पहले रूम तो साफ कर ले दैट इज इंटरनल कंट्रोल डिफिशंसी अच्छा इसके बाद अपना नेक्स्ट आया पे थ्री हंड्रेड प्लान गर्ल गिव द प्लान बॉय ने बोला कि थोड़ा बड़ा सोचो यार दैट इज मटेरियलिटी बरबार है इसके बाद यहाँ पे फाइन इज एविडेंस एविडेंस देखने के बाद यहाँ पे

बीस दिन के लिए अपन क्या करते बैठे एनालिसिस एनालिटिकल प्रोसीजर्स अच्छा फिर अपने क्या किया है? यहाँ पे सैंपल दिया क्या दिया है? यहाँ पे सैंपल दिए अच्छा सैंपल देने का सोचा उसके लिए अपने फिर यहाँ पे चाचा जा रहे थे चाइना चाचा को अपन ने फिलहाल के लिए ट्रांजेक्शन so so चाचा गए चाइना चाचा आए चाइना से कभी आए आफ्टर द डेट ऑफ द बैलेंस शीट दैट इज सब्सिक्वेंट इवेंट दट फाइव सिक्सटी इसके बाद यहाँ पे अपने को कोरोना हो गया तो अपन को लगा कि गए क्योंकि सोचो खाली ठीक है इसके बाद यहां पे 580, that is, we remember this, written representation. मैंने वो पहले ही दे दिया था okay? that is, written representation. अभी इसके बाद ये होने के बाद नेक्स्ट है सेवन हंड्रेड ऑडिट रिपोर्ट बरबर है टेस्ट का रिपोर्ट फिर बांध से आप लोग गए काम से दैट इज सेवन जीरो करो अपनी आदत सेवन जीरो सिक्स

बिना बिना एक्सपर्ट के सर्विस अपने वो काम करना पड़ा लॉकडाउन में और जॉइंटली भी नहीं कर सकते बिकॉज़ वी सर्विस करना पड़ा जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल अवर स्टाफ मेंिकॉज ऑफ कोरोना वायरस सो यहां पे पूरा क्लास अपना कैसे चला बिना एक्सपर्ट के सर्विस ओके दूसरा यहाँ पे जॉइंटली भी नहीं कर सकते मैं ऐसे नहीं बोल सकता चलो दस लोग आ जाओ एक दिन क्लास यहाँ पे करते ये काम क्योंकि लॉकडाउन है यहाँ पे कैसे करेंगे काम तो ये सबके घर पे यही हाल है यहाँ पे ठीक है इन मेनी ऑफ आर हाउस ऑल्सो द मेडर ठीक है वो भी बेचारे आ नहीं सकते थे काम पे यहाँ पे ओके बिकॉज सबके बिल्डिंग में यहां पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन था तो घर के बारे में सोचो यहाँ पे बिना एक्सपर्ट के सर्विस करना पड़ेगा पड़ रहा था अपने को एंड ज्वाइंटली भी नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग ओके तो बिना कैसे आएगा ब्रांच ऑडिटर के रिलेटेड जो भी रहेगा दैट इज का एक्चुअली नाम है Your using the work of other auditors that is your sa 600 ठीक है internal auditor is your sa 610 expert is your sa 620 service मतलब अगर अपन यहाँ पे कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर रहे हैं जैसे आउटसोर्स कर दिया कोई काम अपन ने देन वी विल हैव टू कंप्लाई विद sa 402 jointly is very simple that is your joint audit that is sa 299 तो इस सिंपल फ्लो में याद करने का यहाँ पे बिना एक्सपर्ट सर्विस करना पड़ेगा ज्वाइंटली नहीं कर सकते वेरी सिंपल सिक्स हंड्रेड सिक्स वेरी क्लियर यहां पे वेरी वेरी इजी ओके नाउ दैट स्टैंडर्ड्स ओके तो ये अपना वापस मैंने समरी दे दिया यहां पे एंटायर थिंग का ओके okay? मैं तो सजेस्ट करता हूं कि सबके फोन में इसका एक स्क्रीनशॉट होना ही चाहिए ठीक है कभी भी रिवाइज करो तो अपने को बैठे बैठे मार्क्स मिलता है यहां पे अब यहां पे लास्ट दो स्टैंडर्ड्स है यहां पे खाली देख लेते हैं यहां पे ओके जस्ट अ ये यहां पे लिखा हुआ है सीरी करके दिस इज योर ये अपना है वो स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट एविडेंस वाला दैट इज नथिंग बट योर सेगमेंटल इंफॉर्मेशन इन्वेंट्री एंड लिटिगेशन एंड क्लेम्स याद है कि नहीं है सेगमेंटल इंफॉर्मेशन इन्वेंट्री के रिलेटेड एंड लिटिगेशन एंड क्लेम्स के रिलेटेड दैट इज ऑर फाइव जीरो लास्ट में अलग से याद करना पड़ेगा यहां पर एस ए फाइव जीरो फाइव दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन ठीक है मैंने सोचा कैसे पता मेरे दिमाग में देन यू कैन यू नो मॉडिफाई एज पर यूर ओन टेक्निक मैंने ऐसे सोचा कि मेरी बिल्डिंग में जो आंटी फाइव जीरो वन में रहती है ना वो आंटी है ना बहुत सिली आंटी ऐसे सोचने का वो आंटी बहुत सिली आंटी ऐसे सोचो सोचने में क्या जाता है वो आंटी सिली नहीं भी रहेगी लेकिन सोचो यहाँ पे आपने कोई आंसर याद करने से मतलब है वो आंटी बहुत सिली आंटी है सिली मतलब कुछ भी बात करती है और दूसरा यहाँ पे ऐसे फाइव जीरो फाइव दट इज योर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ये वो आंटी है फाइव जीरो फाइव में जो आंटी रहती है वो आंटी है जो बहुत चुगली करती है मतलब कुछ लेना देना कुछ नहीं है लेकिन रिजल्ट के दिन तुम लोग घर गई आगी मार्क्स पूछेगी कि कितना मिला बेटा लेकिन मेरे चाचे के भतीजे के इसके उसको इतना मार्क्स मिला कंपैरिजन वाली आंटी तो वो आएगा यहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब हर जगह का गॉसिप करना ऐसे सोच सोचने में क्या जाता है अपने चलो अभी एक सुपर समरी देख लेते हैं ले पे देखो अपने कैसे याद किया था पे अभी ये जो तो चीज है ना जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट तो तुम लोगों के पास रहना ही चाहिए यू शुड ऑलवेज हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ओके तो सी दिस एसए 200 दैट इज 200 एम्प्लॉइज देन यू हैव टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट दैट इज एसए 2 दैट इज 201 देन क्वालिटी कंट्रोल टाइम 220 हुआ देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन दैट इज 230 एरियाज एरिया लॉस कंप्लायस टू लॉ बुक्स देन यू हैव कम्युनिकेशन विद विरो मॉम फिर बाद में इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी क्लीन योर रूम मॉम बोलती है

पे ये अपना आएगा दिस इज नथिंग बट योर पहले ये बोल देता हूं मैं दैट इज सिक्स हंड्रेड ब्रांच ऑडिटर देन दैट इज बिना एक्सपर्ट सर्विस करना पड़ेगा जॉइंटली भी नहीं कर सकते तो दैट इज दिस कोड हियर ओके एंड देन यू हैव फाइव जीरो पर्सन फ्लैट नंबर एंड आंटी एक्सटर्नल कंफर्मेशन आंटी फ्लैट नंबर हु टॉक्स टू अदर एंटीज गॉसिप करती है जो आंटी वो दैट इज बाहर जाके बात करना एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे सोचे ठीक है दैट इज फाइव जीरो फाइव अभी यहाँ पे ऐसे याद रखना कंपेयर अदर इन्फॉर्मेश याद किया था वो थर्मल स्कैनिंग और अपना वो ऑक्सीमीटर वाला वो मैंने खाली यहां पे दे दिया दैट इज कंपेयर अदर इन्फॉर्मेशन वेरी इजी यहां पे एवरीबडी वेरी वेरी क्लियर अरे बोलो यार वेरी सिंपल ओके ग्रेट